मेरे को तेरे वास्ते एक सरप्राइज है। दो मिनट होने आया। गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी? और जानती है कितों दी है? लकी स्वीट्स। खा के देख। बहुत बढ़िया है। अच्छा हर्ष, अंकल आंटी कहाँ गए? अरे वो मेरे मामा जी है ना, उन्होंने एक नया घर लिया, तो बस उसी के फंक्शन में गए। शाम तक आ जाएंगे। वो अगर घर का फंक्शन है तो तू क्यों नहीं गया? मैंने ना बहाना मार दिया, मुझे पढ़ाई करनी है। और वैसे भी अंदर की बात बताऊं, मेरे पापा जी को लगता है कि इस पूरे पिंड में एक ही नौजवान से एक ही जीनियस मुंडा है, मैं। गलत बात है। अगर तेरे पापा को तेरी इतनी चिंता है तो तुझे पढ़ाई से ध्यान देनी चाहिए ना। कम ऑन यार, इतना सीरियस होना बंद, चली भी एंजॉय करना। अरे हर्ष, ये चली भी बड़ी चिपचिप देती है। रुक, मैं टिश्यू लेके। ये ले। एक मिनट, मैं करता हूँ। नहीं, तू रहने दे, मैं कर लूँ। अरे बाबा, मैं आराम से करता हूँ, ठीक है। चाशनी पे ध्यान दे, ज्यादा पकवान मत पका दिमाग। अब मैं क्या बताऊं, तेरे को देखने के बाद मेरे मन में क्या क्या और कैसे कैसे ख्याल आते। हर्ष, मजाक मत कर, समझा? दूर रह। अरे मेरी बात मान, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने तेरे को वादा करा है कि 2 साल बाद मैं तेरे से शादी करूंगा, और अगर ये सब चीजें अभी हो रही है या शादी के बाद, क्या फर्क पड़ता है? तो समझना, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं हर्ष, शादी से पहले ये सब बातें नहीं। यार तू मेरी बात, मैंने वादा किया तुझसे, मेरी बात तो मान। मेरी हर्ष, पागल हो गया क्या? अंकल ठिकाने पे है कि नहीं? मेरी बात तो सब यार, एक कुड़ी नहीं संभाली जाती। अबे एक पप्पी तक लेने दी तुझे, एक पप्पी, ऊपर से एक पटका और दे दिया तुझे। मैंने बोला ना, इसके बस की कुछ नहीं है। तो क्या करता मैं उसके साथ, जबरदस्ती करता? कर लेता। वो कौन सा किसी को बताने जा रही थी? वैसे भी वो खुद आई थी तेरे पास, तू उठा के नहीं लाया था उसको। किस बात कर रहा है यार, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सही बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड है तभी तो बोल रहे हैं। तितली की तरह आगे पीछे करा रही है, हक बनता है नहीं तेरा। यार वैसे बात तो सही कर रही है, 3 महीने हो गए और अभी तक उसने हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब भी उसके पास जाओ, नहीं अभी नहीं, शादी के बाद। यार परेशान हो गया हूँ। वैसे मैंने एक चीज सोच ली कि कल जाकर मैं सीधा उसके साथ ब्रेकअप कर, बात खत्म। तो फुद्दू हो गया है क्या? 3 महीने की मेहनत ऐसे जान दे। एक बार अपना हक वसूल ले, उसके बाद छोड़ देना, किसको फर्क पड़ता है यार। तू बोले तो हम दोनों कुछ करें तेरे लिए। नहीं यार, तुम लोग बीच में मत पड़ो। पता तो मैं इससे जरूर हूँ, लेकिन प्यार से। प्यार से मानने वाली चिड़िया नहीं है ये, पर ना नहीं जाती अभी तक पिंजरे में। इसके साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भाई। क्या कर लेगा तू? तुम लोग कर क्या सकते हो? तू बोल तो सही, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेंगे, तू बोलना। टेंशन और इतना सोच मत, हो जाएगा। चल 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 चल
अनेक। ओहो। आशिक जी आए अपनी माया को बचाने। बहुत शौक था ना तूने वो इंटरनेट पे देखा है कैसे वो बांधगी करते हैं। कैसे? आज वही लाइव देखने का मन कर रहा है। दिखाएगा ना अपना हीरो। और तू तो बॉयफ्रेंड है ना उसका। चल चल जा, चल चल डन। पूरी करेगा मैं करके दिखाऊं। डन नहीं करेगा तो फोड़ दूंगा तुझे तेरी इस माशुका को। चल डन। चालू बड़ा पार्ट। नहीं कर सकता, नहीं नहीं कर सकता। तो क्या हम करके दिखाएं अब? चल जल्दी चालू हो जा, जल्दी जल्दी। I'm really very sorry. अब हमारी बारी है। मेहनत करे हम, कुड़ी लाए हम, आप दुआ ना दस मैनू देख ये तू ये देख कौन है ये तू केड़ी कुड़ी तेरी कुड़ी एदी वीडियो तेरी वीडियो पुलिस किसको पकड़ेगी तुझे ना हूं दस मैनू आया बड़ा हीरो लड़की चलो ए और सुनो ए कुड़ी नू कंट्रोल विच रखो ए ज्यादा उछलेगा ना आ दिखेगी हर जगह चलो ए और दिक्कत भी तुझे ही होनी है कर ले कुछ भी तुम दोनों चलो अब बच के रहो
मेरे घर पे क्या कर रही है? बस मुझे बिना बताए मेरे घर के अंदर कैसे आ सकती है तू? तू क्या करूं? तू मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं कहां जाऊं? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने तेरे फोन जानबूझ के नहीं उठाए, बट आई एम रियली सॉरी, लेकिन प्लीज ये मेरा, मुझे 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 यहां पे कोई तमाशा नहीं चाहिए माया, प्लीज आराम से। ये क्या कह रहे हो? ये तुम ही तो जानते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। देख मैं तेरे को साफ साफ बताऊं, मैंने अपनी तरफ से तेरी पूरी मदद करी, मैं जितनी कोशिश कर सकता था, जितना सपोर्ट कर सकता था मैंने किया, लेकिन ट्रस्ट मी इससे ज्यादा सपोर्ट तुझे नहीं कर सकता। तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे कौन करेगा? माया प्लीज धीरे बोल, और मुझे ये लगता है कि आज के बाद तेरा और मेरा रास्ता अलग है, ठीक है? आज के बाद ना तू मुझे फोन करेगी और ना मैं तुझे, इज इट क्लियर? हर्ष ऐसे मत बोलो, हर्ष एक तुम ही तो हो जिससे मैं बात कर सकती हूं। हर्ष तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैंने किया, लेकिन अब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, और मुझे लगता है कि ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, समझिए ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं यार ऐसा मत कहो हर्ष, मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, किससे बात करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा शांत शांत बैठ बैठ बैठ, ठीक है मैं तेरे पानी लाता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज कम, आई जस्ट गेट वाटर, प्लीज होंगे। सर ट्रस्ट मी, इसकी गेम को लेकर प्रेडिक्शन कमाल की है, और आपके पैसे भी ये डबल कर देगा, और आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, पैसे आपको टाइम पे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉल है, नेक्स्ट बॉल पे आउट होगा। What? ये क्या किया तूने रोना? साले आखिरी बैठती है हमारी, पूरे के पूरे पैसे गवा दिए यार तू। नहीं, मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तू कुछ कर यार। मैं क्या करूं, सारी गलती तो तेरी है, ऊपर से
वो मार्केट से जो मैंने अपने नाम पे पैसे लिए वो कौन भरेगा? तू? तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया यार। यार ऐसा मत बोल, हेल्प कर मेरी, देख कुछ तो कर। अब मैं क्या, कोई भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। तू गया रहा, यू आर गॉन। एक तरीका अब भी बाकी है। बोल क्या तरीका, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस बता। कल का मैच हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रन लेने के चक्कर में रन आउट मत हुई। अभी क्या करने आए हो? एक दिन भी प्रैक्टिस पर तुम नहीं आए और डायरेक्ट मैच खेलने चले आए तुम। सर मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अपनी गेम को बहुत निग्लेक्ट किया है, बट सर आप जानते हैं मैं कितना डेडिकेटेड हूँ। मेरी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, सो बट अब सब सॉर्टेड है, मैं अच्छे से खेलूंगा सर। कुछ भी नहीं हो सकता रौनक, तुम्हारी जगह हमने नया प्लेयर को ले लिया है, कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज लिम लाओ सर, प्लीज प्लीज सर, आप जानते हैं मेरे लिए मैच कितना इंपॉर्टेंट है, इवन मेरी फैमिली के लिए भी। सर मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है सर, अगर मेरा सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में हो गया तो सब सॉल्व हो जाएगा सर, प्लीज मुझसे मौका मत छीनिए, यू नो आई डिजर्व इट। ओके, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू, जाओ तैयार हो जाओ। थैंक यू सर, वेलकम। मैनेज कीजिए। ओके, नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने करियर के साथ ऐसा कभी कर नहीं सकता। मैं बिना प्रूफ के उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ सर। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो आप रौनक का लैपटॉप और बैंक की स्टेटमेंट दोनों चेक कर सकते हैं, उसमें पैसों की हेरा फेरी देख कर आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? आप ही की तरह उसका एक टीचर जिसे उसने बिट्रे किया था। Hello, sir. Principal sir, I need to talk with you urgent. Yeah. Okay. तुम हमेशा से bright student रहे हो रौनक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। After all, you are from good family. तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ना ही तुम्हारी family को बदनाम हुई और तुम्हारा career भी destroy हो गया। I would say तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। I'm sorry to say, Mr. Singh, तुम्हारी बेटी की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये हमारी कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है। रौनक, तुम्हारी स्कॉलरशिप गिव अप करते हैं एंड यू आर रस्टिकेटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। पर मिस्टर सिंह, आई मीन पापा, मुझे नया जूता नहीं चाहिए।
मेरी तरह मेरा जूता भी मेरे क्रिकेट के लिए बहुत डेडिकेटेड है। ये इतनी जल्दी रिटायर नहीं होगा, आप देखिएगा मैं इसी जूते को पहनकर रणजी ट्रॉफी तक पहुंचूंगा। हाँ बेटा, तू रणजी ट्रॉफी खेलेगा भी और उसकी ट्रॉफी भी जीतेगा, और उसके बाद देखना तू वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी घर लेकर आएगा, और ये सारी ट्रॉफियां मैं वहीं रखूंगा जब बचपन से सारी तेरी ट्रॉफी रखता हूं। कभी कभी इंसान एक गलत कदम ले लेता है, उसकी वजह से वो अपनी मंजिल से दूर, बहुत दूर निकल जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता कि मेरी गरीबी तेरे लिए इतनी शर्मिंदगी पैदा कर दी। मुझे माफ, मुझे तो लगा कि तू कम में ही खुश था। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा बेटा कुछ पैसों के लिए अपने सपने बेच दे। तूने अपने सपने ही नहीं बेटा, हमारी उम्मीदें भी बेच डाली। मैंने जिंदगी में जो भी कमाया तुमने सब बर्बाद कर। चिंता मत करना, हम तुम्हारी फैमिली, ये परिवार, ये पाप का भी भागीदार। छोटा सा घर जिसमें जिसमें तुझे अपने दोस्तों के लाने में शर्मिंदगी होती थी ना, अब कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये घर उधार चुकाने के लिए बेच डाला। अब ना उधार रहा ना शर्मिंदगी, रौनक वॉज अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन, ही हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, पर एक छोटी सी डिजायर को पूरा करने के लिए उसने अपने इस ब्राइट फ्यूचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जरा सोचिए, जो स्टूडेंट अपने रैंक्स और अपने टैलेंट की वजह से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था, आज वही कॉलेज से निकाल दिया गया। रौनक के डैड को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्हें कभी लगा भी नहीं था कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से इतना अफेक्ट हो जाएगा कि छोटी छोटी डिजायर्स के लिए अपने करियर को ही भूल जाएगा। इट्स जस्ट दैट बेटिंग इज इलीगल इन इंडिया, फिर भी रौनक और गौतम जैसे कई यंगस्टर्स इंटरनेट के थ्रू बेटिंग करते हैं। What they don't realize is कि बेटिंग एक ऐसा नशा है जो किसी और एडिक्शन की तरह अपने विक्टिम को कंप्लीटली खत्म कर देता है। So why try?